ब्रेकफास्ट टाइम में ब्रेकफास्ट करेंगे इस वीडियो के साथ। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाउ आर यू डूइंग ऑल? मैं भी गुड एंड फाइन, आई एम ऑल्सो गुड। सो गाइस, मैं अभी रेडी हो चुका हूँ, ये देखो। सो गाइस, तनिष्का दीदी को देखते हैं क्या कर रही है। ब्रेकफास्ट करेंगे इस वीडियो के सामने बैठकर। ड्रेस ला रखा है? ओके सो गाइस, मुझे भी ब्रेकफास्ट मिल गया है। मिल्क मस्त। और गाइस, सब कुछ रेडी हो गया, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। सो गाइस, हम पूरे रेडी हो गए, फिर बस क्या, हम बस ही जाएंगे। फिर बस वाले अंकल आने वाले होंगे, ड्राइवर अंकल। सो फिर गाइस, अब से हम मिलते हैं आफ्टरनून में। मैंने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। सो गाइस, अब मैं थोड़ी देर टीवी भी सब आईपैड वाईपैड कुछ चलाऊंगा। सो गाइस, अब मैं प्रिपेयर हूँ पूरा। आई होप गाइस मेरे एग्जाम टेस्ट टेस्ट मेरा अच्छा जाए मैथ्स का। मुझे सारी इजी लगे, मैंने सब कुछ कर दिया। हाँ गाइस, तो अब तनिष्का दीदी पढ़ी गई। नाउ गाइस, इट्स माय टर्न फॉर स्टडी। सो गाइस, मैं करती हूँ एकदम स्मार्ट स्टडी। या आई डू स्टडी। सो गाइस, आई एम डूइंग स्मार्ट स्टडी टुडे गाइस। मेरा भाई एलिस है, एलिस। उसको मैं अलास कहती हूँ, अलास। और आई एम तंगुया कौसा खादिया थुआ। What was that? Cuckoo is doing, guys. Alice, please don't do this. Cuckoo को लेकर जाओ यहाँ से। ऐसा मत करो, please. यहाँ से लेकर जाओ उसे. Do this. Yeah, I know it. So guys, मेरी exercise 8A मैंने आज complete कर लिया था। मेरे को मम्मा ने करवा दिया था आज exercise 8A. सो गाइस, अभी मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज 8B। ये दो क्वेश्चंस है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। सो गाइस, मुझे डिटरमाइन करना, शायद मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो ये है, ये प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया है, चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वान्टिटीज एक्सरसाइज 8B। सो गाइस, मैं अपना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करता इसको इतना लंबा लिखने में। बस डायरेक्ट क्वेश्चन लेती हूँ एंड यहाँ से बुक से रीड आउट कर लेती हूँ एंड देन सॉल्व करने बैठ जाती हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर आपको मतलब जैसे कोई चीज समझ नहीं, तो सबसे पहले अपने जो बुक्स के एग्जांपल। सो गाइस, जैसे हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो सम है ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, तो सबसे पहले हम अपना सबसे स्मॉल डिजिट लेंगे एंड देन सबसे हाईएस्ट डिजिट लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे है 7, 21, 18 and 49। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 49 वी विल डू लाइक दिस। मम्मा, एक्चुअली आई एम शूटिंग व्लॉग, प्लीज कॉल एलिस। Alice, don't act like you are sleeping. Mama is calling you and go fast. So guys, ये ऐसी करता है, तो चलो हम सम सॉल्व करते हैं। So guys, basically हमें इस सम में ये करना है, सबसे पहले तो हमें product of extreme को एक साइड लेना है। तो हमारा product of extreme है, सबसे लोएस्ट हमारा 7 है और सबसे हाईएस्ट हमारा 49 है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू 7 by 7 into 49 इज इक्वल टू 323। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, आप साइड में रफ वर्क कर सकते हैं। देन एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू 21 into 18 इज इक्वल टू 378। सो दीज द टू आंसर्स आर नॉट इक्वल। सो गाइज, हेंस 7, 21, 18, 49 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ओके गाइज, हेंस प्रूफ्ड एंड दिस कम्स लाइक दिस। सो गाइस, ये क्वेश्चन था। अभी हमारा क्वेश्चन, अब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो इसमें हमें ये ट्विस्ट दिया कि हमें जो सम्स है ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है। तो हमें इसमें अभी यही फाइंड आउट करना है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अब बाकी पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 2 4 8, 8 + 1 9, 3 2 6, 6 + 2 8। सो 3 9 2 8 3
एंड 4. सो गाइस यहाँ पे हमें पता चल गया है कैसे करना है, तो चलो करते हैं और बाकी इस क्वेश्चन को फिनिश करके हम दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं. सो गाइस नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज द मास ऑफ 20 मीटर्स ऑफ कॉपर वायर इज 0.9 केजी. फाइंड द मास ऑफ 170 मीटर्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ कॉपर वायर. सो गाइज इसमें हमें दिया गया है जो 20 मीटर की जो कॉपर वायर है उसका जो मतलब जो मास है, जो 20 मीटर कॉपर वायर का मास है 0.9 केजी. सो अब हमें फाइंड आउट करना है जो 170 मीटर्स की जो कॉपर वायर है सेम, उसका मास कितना होगा. तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा मैथ्स, मैथ्स फॉर्मूला, मेंटल अब्यूज टू ह्यूमंस. सो गाइस ये तो बस एक फन के लिए है, यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करते करते आ गया. मैथ्स का फुल फॉर्म वो है, स्कूल का वो है, क्लासरूम का वो है. तो फिर गाइस मैं सारे बताऊंगी आपको. ओके ओके ओके. एंड होमवर्क कब भी होता है, क्लास का भी होता है, इन सब के तो रूल है, रूल है. सो रूल है या फुल फॉर्म है, तो चलो बने रहो. सो गाइस हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है. सो गाइस इसमें हमें कहा था द मास ऑफ 20 मीटर ऑफ कॉपर वायर इज 0.9 केजी. फाइंड द मास ऑफ 170 मीटर सेम टाइप ऑफ कॉपर वायर. सो गाइस अब जो हमारा था हम उसका ले लेते हैं, लेट द मास ऑफ 170 मीटर कॉपर वायर बी एक्स. ठीक है, उसकी जो एक्स केजी ले लेते हैं, उसकी जो केजी ग्राम है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देन मास of wire is to length of wire is x is equals to 170. अब according to question जो वायर का जो मास है और जो वायर की लेंथ है हम उसको x 170 कर देते हैं. ठीक है, वो 170 हो गया. अब दोबारा से हमें क्वेश्चन में नोट डाउन किया है द मास ऑफ 20 मीटर्स कॉपर वायर ऑल्सो मास ऑफ वायर इक्वल्स टू is to length of wire. So now, अब जो कॉपर वायर का मास था वो है 20 and length of wire 0.9. Okay, 0.9 is to 20. Then 0.9 is to 20 is equals to x equals to 70. 0.9 is to 20 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आएगा वो आएगा आपका what? कमेंट्स में तो चलो मैं बता देती हूँ, वो आएगा आपका 17. अब नेक्स्ट 0.9 इज टू 20 इज टू x इज टू 17. ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एक साइड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ मीन एक साइड कर लिया. नाउ 0.9 मल्टीप्लाई बाय 170 इज इक्वल्स टू 20x. 0.9 को 170 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 20. देन 15 इज इक्वल्स टू 20x. फाइन, is it clear till here? Now x is equals to 153 by 20. ठीक है, अब 153 को आप 20 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 20 आएगा, उल्लू बना रही हूँ. 7.65 केजी आएगा. इसका जो आपका आंसर आएगा फुली 7.65 आपका आंसर आएगा. इसमें आपको दिखा देती हूँ कैसे मैंने सॉल्व किया है. ये मेरी मम्मा के तरीका से है जैसे उन्होंने मुझे करवाया है, बाकी आप किस तरीके से करते हो वो आप अपने हिसाब से देख लेना. पर जो एक्सप्लेनेशन है वो मम्मा ने इस तरह से समझाई थी, बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कैसे सॉल्व करती हूँ. सो बने रहो हमारे व्लॉग्स में. अभी मैंने गाइस वन एक्सरसाइज पूरी एक एक्सरसाइज फिनिश कर ली है, तो अब मैं टीवी देखूंगी. इट्स माई टाइम फॉर वॉचिंग टीवी. सो मैं टीवी देखने के बाद मिलती हूँ जब तक एलिस आपको दिखाएगा. बाहर क्या चल रहा है, कुछ छोड़ो. ये क्या है, क्या है ये मम्मा? ये बेटे उसमें ना ग्रिल में लाइट लगवाने के लिए बोल डैडी ना. ग्रिल में लाइट? हाँ, रेलिंग पे, बाहर वाली सीसी की रेलिंग पे. यहाँ पे अंकल आए हैं. इसे छोटी है नहीं ना फिर. So guys, इधर है ये लाइट जो इसके शायद अंदर इस टाइप से जाएगी. So, ये लाइट आई थिंक सो ये लाइट है गाइस.
और ए फिक्स करने की कोई एलिमेंट आई थिंक सो। कुकु कुछ कहना चाहेंगे आप? कुकु मुझे यहाँ पे चोट लग गई थी इधर, वो जो मेरे रूम का बेडरूम नहीं गाइस, जैसे ये वाला बेड है ना, तो क्या हुआ मेरे को इससे लग गई। मैं रात में हाथ पैर चलते रहते रात में, तो गाइस इधर मैं इस साइड सोती हूँ, सो गाइस मेरे को इधर से कट लगा था इसमें, इधर से तो मेरे अंदर तक ये कट गया था। सी गाइस क्या क्या फंसा हुआ इसमें। सो गाइस यहाँ पे मम्मी फोन चलाते हैं। हाँ मम्मी क्या प्लान है आपका आज का? अभी देखते हैं क्या प्लान है, अभी कुछ खाने की कोई तैयारी ही नहीं है, देखो कुछ मत बाहर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी मम्मा यूट्यूब के सामने बैठी हुई है, वो मंगाई थी वो रेलिंग की, वो लाइटिंग वो आप लोग वो छोड़ दिया है शॉप पे भैया, तो अभी किसी लड़की को भेजना है शॉप से तो वो लेके आएगा। देखो ये सुबह लगती है अभी लगती है गाइस, मेरी मम्मा को जैकेट नहीं है मम्मी के पास, गाइस प्लीज मम्मा को जैकेट दे दो गाइस, इनके पास लाखों की तो जैकेट पड़ी है इतनी सारी, वो कहाँ कि किसको देनी है आपको, बेटा मेरे पसंद नहीं है तो पता है कहाँ पहनते मम्मी को गाइस, बस क्या कहते हैं जैकेट खरीदने का शौक है हर चीज, बट इनको कितना भी समझा लो इनको शॉल में रहना है और हीटर के सामने, यहाँ पे इनका हीटर रखा सामने और यहाँ पे इनकी शॉल रखी, इनके पास इतनी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी जैकेट है पर फिर भी इनको छुआ नहीं। तो भाई मैं जैकेट पहनती हूँ तो मेरे को क्या है ना, मतलब मेरे को बर्दाश्त नहीं होती, मेरे को गर्मी सी लगती है मेरे को, मैं मतलब कभी भी पहनती ही नहीं सर्दियों में, कभी मत नहीं लगा लो शॉल तो बोर्ड में भी लगी नहीं बिल्कुल, मैं कभी भी सर्दियों के कपड़े मैं कभी भी ऐसा लगता ही नहीं है, जैसे भाई बहुत से लोग सॉक्स वगैरह मतलब सर्दी वाले फुल कपड़े पहन के रखते हैं। वैसे चलो पहले सोच विचार के बाद अब मम्मा बना रही नमकीन राइस है ना मम्मा, लेट हो गया था पटाटोस, ये रहे ये हमारे वॉश राइस एंड टोमेटोस। तो गाइस काफी लेट हो गया एक्चुअली में, अभी हम यहाँ पे मूवी देख रहे थे डोंट नॉक ट्वाइस एंड यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:00 PM। तो गाइस कुछ कहना चाहोगे मम्मा आप? ठंड हो रही है पर इनकी जैकेट अभी निकली, देखो हाफ पीस कौन पहनेगा, इनको तो गर्मियाँ पसंद है गाइस, मम्मा को मेरे को तो सर्दियाँ पसंद है बट लिमिट में सर्दियाँ पसंद है, ये नहीं कि धूप ही नहीं निकल रही है। तो गाइस इस चक्कर में तो कुछ कुछ लोगों के कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं, काफी डिफिकल्टीज आ रही है ना, धूप नहीं निकल रही कपड़े काम हो गए। हाँ वही तो, सो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, यहाँ पे राइस रेडी हो गए हैं ना मम्मा, तो गाइस मम्मा यहाँ पे सर्व कर रही हैं कर्ड के साथ दही के साथ, yummy yummy delicious man। Thanks for watching our video, if you like the video press the like button and subscribe our channel, bye bye।